योगा योग दिवस के रूप में जो उपहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को पहुंचाया है। आज का दिन का पूरी दुनिया में काफी खास महत्व है। आज पूरी दुनिया कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री आज लंबे समय से जो करते आ रहे हैं और देशवासियों को उन्होंने जो संदेश दिया है करके। जब भारत के योग को पूरी दुनिया कर रही है, आज दुनिया के लगभग 200 देशों में ऐसे योग के सामूहिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। धूमधाम से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य आयुष समिति स्वास्थ्य विभाग की ओर से योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि आज पूरे विश्व के 200 देशों में सामूहिक रूप से योग किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद है। भारत के योग पद्धति को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। मानव को स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में योग के माध्यम से संदेश देने का काम कर रहे हैं। सभी लोगों को योग जरूर करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ और सुंदर रहता है। अगर सभी को स्वस्थ रहना है तो योग को अवश्य अपनाएं। भारत के हजारों वर्षों का हमारे ऋषि महात्मा तपस्वियों के द्वारा जो उपहार में भारत भूमि को ही नहीं विश्व के मानवता को योगा योग दिवस के रूप में जो उपहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को पहुंचाया है। 21 जून को योगा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जो मनुष्य को स्वस्थ रखने का और मनुष्य को उपहार में ये योगा हमारे लिए एक धरोहर है, एक विरासत है। और प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर से योगा दिवस में सम्मिलित होकर पूरे देश को ही नहीं दुनिया को इस प्रकृति के अनमोल उपहार को हर आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दे रहे हैं। आज का दिन का पूरी दुनिया में काफ़ी खास महत्व है। आज पूरी दुनिया कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के आए हैं, तब से इसकी अच्छी शुरुआत हुई जाकर के। वैसे अपने देश में सदियों से हजार पहले से योग को लोग अपनाने का काम किया है। स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए योग करना चाहिए। हम बिहार वासियों से अपील करेंगे, योग में शामिल हों, स्वस्थ रहें जाकर के, ये हमारी कामना है। कश्मीर से भी प्रधानमंत्री योग करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री आज लंबे समय से योग करते आ रहे हैं और देशवासियों को उन्होंने जो संदेश दिया है जाकर के, योग से जुड़े लोग जाकर के, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में भारत के लोग भी दुनिया के अनेक देशों में शामिल हुए हैं जाकर के। तो आने वाले समय में दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए योग का करना जरूरी है। बहुत पूरे देश दुनिया में योग कर रहे हैं, क्या कहें। आज का दिन भारत देश के लिए विशेष दिन है। जब भारत के योग को पूरी दुनिया कर रही है, आज दुनिया के लगभग 200 देशों में ऐसे योग के सामूहिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत की यह जो योग पद्धति है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्वीकार कराया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलवाई। और नरेंद्र मोदी जी के प्रयास का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया भारत के योग पद्धति को अपना रही है और मानव को स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत ही जरूरी होता है। योग करने से शरीर के जो विभिन्न अंग ऑर्गेन्स हैं वो ठीक रहते हैं, वो ठीक से काम करते हैं। और मानव जब स्वस्थ रहता है तो उसे चिकित्सक के पास भी नहीं जाना पड़ता और औषधियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अतिरिक्त आर्थिक बोझ जो किसी व्यक्ति के जीवन में होता है उससे भी वो बचता है।
तो स्वस्थ व्यक्ति के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी स्वस्थ रहती है। तो कुल मिला के संपूर्ण मानव जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जाने का योग एक बहुत ही उचित और सही माध्यम है। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम सब लोग पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और यह योग दिवस 10वां योग दिवस है। 2015 में यह योग करने का कार्यक्रम पूरी दुनिया में शुरू हुआ और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। नेताओं को भी योग करना चाहिए, चाहे पक्ष हो या नहीं, हर मानव को। यह तो व्यक्ति मानव, उसके स्वास्थ्य, उसके शरीर से जुड़ा हुआ, और हर व्यक्ति जितना स्वस्थ रहता है उसकी व्यक्तिगत जीवन भी, सामाजिक जीवन भी बेहतर होती है, और उसके कारण राष्ट्र भी बेहतर होता है। तो और राष्ट्र की इकोनॉमी भी, मैंने कहा इकोनॉमी भी बेहतर होती है। तो स्वस्थ शरीर भी होता है और स्वस्थ राष्ट्र भी होता है। सबको करना चाहिए, किसी व्यक्ति को आप अलग करके नहीं देखना चाहिए, हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। जैसे अच्छा भोजन, अच्छा सही डाइट सबको लेना चाहिए स्वस्थ शरीर के लिए।